मेरा नाम जूलिया है, मैं 9 साल की हूँ। मेरे पेरेंट्स का घर बहुत सुंदर है, मुझे बेहद पसंद है। ये 2 एकड़ की जमीन है जहाँ मैं और मेरे दोस्त आराम से खेल सकते हैं। चारों तरफ बांध लगा हुआ है, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। बस नियम इतना सा है कि हमें बांध के अंदर रहना है। उसके बाद एक नदी है, ये घर के पीछे बहती है और उसके आसपास की रेत पर हम आराम से चल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हमारे साथ कोई बड़ा हो। डैड कहते हैं कि इस जगह पर पहले एक फार्म हाउस था। मुझे ये सब पसंद है सिवाय मेरी अलमारी के, मुझे उससे नफरत है। दरअसल शायद मुझे कहना चाहिए कि मुझे पहले उससे नफरत थी, अब मुझे वो नापसंद नहीं है। जो आखिरकार हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। तो एक जोकर मेरी अलमारी में रह रहा था, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचूं तो वो दरअसल उसमें रह नहीं रहा था। वो बस वक्त दर वक्त वहां आया करता था, और वो कोई आम जोकर नहीं था। वो जोकर वाले कपड़े जरूर पहनता था, लेकिन उसका चेहरा आज भी मुझे उससे याद करके डर लगता है। वो एक लंबा अजीब सा दिखने वाला सफेद रंग का हैलोवीन का माइकल मायर्स जैसा मास्क पहनता था। ये बहुत ही खौफनाक था, मेरा मतलब है बहुत बहुत डरावना। वो शनिवार की रात थी, मॉम और डैड ने अभी अभी मुझे बिस्तर पर सुलाया था। मुझे नींद आने ही वाली थी कि अचानक मेरी अलमारी का दरवाजा खुलने लगा। फिर मुझे 2 हाथ दरवाजे से बाहर आते हुए दिखे, जिन्होंने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। मैंने एक चेहरा देखा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन शायद एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। वो एक जोकर था, हालांकि उसने कुछ नहीं किया, उसने बस अपनी उंगली अपने होंठों पर रखी। आप समझ ही सकते होंगे जैसे वो मुझे कह रहा, और फिर उसने कमरे में चारों तरफ देखा। मुझे लगता है कि जो उसे चाहिए था वो उसे नहीं मिला, क्योंकि उसने मुझे हाथ हिलाकर पाए कहा और अलमारी बंद कर दी। मॉम, डैड, जूलिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ? मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझसे बात नहीं हो रही थी। क्या हुआ बेटे? मैंने अलमारी की तरफ इशारा किया। क्या अलमारी? क्या हुआ अलमारी को? जोकर, मैंने एक जोकर देखा, एक बहुत डरावना जोकर। मेरी मॉम हंसने लगी। जूलिया मेरी बच्ची, अलमारी में कुछ नहीं है, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा बस। उस समय तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद मैंने उसे फिर देखा। मैं अपनी दाएं ओर मुड़कर सो रही थी। मैं हमेशा अपने दाएं ओर सोती थी। मैं बस सोने जा ही रही थी कि अलमारी का दरवाजा खुला। मेरी आंखें भी खुली की खुली रह गई। मैंने अपने सर के ऊपर भी कंबल ले लिया और खुद को ऐसे छुपा लिया कि मेरी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। फिर से वही आदमी था, हमेशा जैसे बदसूरत। उसने एक बार फिर मुझे देखा और आसपास देखने लगा, फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मैं ना चिल्लाई और ना ही मैंने कुछ किया। जब मैं वहां लेटी हुई खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। जितनी बार भी मैंने इस जोकर को देखा है, इसने कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश नहीं की, तो फिर आखिर ये चाहता क्या है और ये मेरी अलमारी में क्यों रहता है? उस रात के बाद से चीजें काफी बेहतर हो गई। वो अब भी आता रहता था, बल्कि अब वो और भी ज्यादा आने लगा। लेकिन हर बार आकर वो वही करता जो वो हमेशा से करता था। सच कहूं तो अब मैं बोर हो गई थी, बल्कि मैंने खुद भी उसे हाथ हिलाकर ये कहना शुरू कर दिया था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही, उस रात मुझे जल्दी नींद आई। रात के करीब 2 बजे मैं अपनी अलमारी का दरवाजा खोलने की आवाज से जगी। मैंने सर उठाकर देखा तो वो सामने खड़ा था। उसने अपनी उंगली उठाकर अपने होठों पर रखी, फिर वो कुछ देखने के लिए नीचे झुका, हमेशा की तरह। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, काफी अलग। वो डर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और फिर और बढ़ी। उस जोकर ने अलमारी का दरवाजा जोर से खोला और मेरे कमरे में भागता हुआ आया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके दांत किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। वो झुकते हुए चल रहा था और उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। उसके नुकीले काले नाखून ऐसे मड़े हुए थे जैसे उसने उनसे पंजा बनाकर रखा। वो मेरे बिस्तर तक भागा, फिर उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, भागो! मैं जानती थी कि मैं मरने वाली, मुझे पक्का पता था। वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था और बचा कुचा माल खा जाने वाला था। लेकिन फिर भी सपने में मैं 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो जोकर मेरे बिस्तर की बगल तक आया और कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। फिर वो अपने घुटनों पर बैठा, उसने अपनी बाजू बिस्तर के नीचे डाली और जब बाहर निकाली तो उसके हाथ में एक लचकीला लंबा सांप था। शायद वो सांप नदी के किनारे से खिड़की के जरिए घर के अंदर आ गया। उस जोकर ने सांप का सर जमीन पर दे मारा और एक बार और एक बार और एक बार।
वो तब तक उसे मारता रहा जब तक सांप ने दम नहीं तोड़ दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। वो मेरी तरफ घूर रहा था। तुम ठीक तो हो बच्चे? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसने अपने गले में पत्थर भर रखे हो। मैं उसे जवाब नहीं दे पाई। उस वक्त तो मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। ए, सुनो, ये सब के लिए मुझे माफ करना। और ये सब जो बिखर गया है उसकी चिंता मत करना। सुबह तुम्हारी मॉम के आने से पहले सब साफ हो जाएगा। ये सब खुद ही सोख लेता है। लेकिन ये हो सकता है कि कालीन पर कुछ दाग रह जाए। माफ करना, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस उसे घूर रही। डर के मारे मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उस जोकर ने अपनी जैकेट में हाथ डाला और उसके अंदर से एक सिगार निकाली। उसने इशारा करके मुझसे पूछा, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? मैं बस उसे घूरती रही। ओह, चिंता मत करो, मैं स्मोक नहीं करता। बस एक दो कश लेकर मुझे तसल्ली मिल जाती है, मैं शांत हो जाता। हालांकि मैंने तो सिगार पीना कुछ 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। फर्क बस इतना है कि पूरी तरह नहीं छोड़ पाया। पूरी आदत है, मैं जानता हूँ, लेकिन हे, कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता है ना। उसने सिगार के ऊपर से प्लास्टिक का रैपर हटाया और उसे अपने नुकीले दांतों में फंसा लिया। उसे देखती रही। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी हैरान हो। हाँ, मैंने धीरे से सर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, हमेशा की तरह पूरा मत महसूस करो। दरअसल आज तक मैंने जितने भी बच्चों को बचाया उनको इसी तरह से रिएक्ट करते हुए देखा है। कौन हो तुम? अपना सर हिलाते हुए उसने कहा, मैं रिंकल्स हूँ, रिंकल्स इन जोकर। मुझे जाना होगा। उस रात के बाद मैंने रिंकल्स को बस एक बार देखा। एक दिन एक बेघर आदमी मुझे स्कूल से लौटते हुए अगवा करने की कोशिश कर रहा था। जैसे उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसे कुछ होने लगा। उसने खांसना शुरू कर दिया और फिर घुट घुट कर मर गया। उसका दम घुट गया। जब पुलिस मुझे घर वापस ले जा रही थी तो रिंकल्स एक अंधेरी गली से निकला और उसने मेरी तरफ हाथ हिलाकर मुझे पाय कहा। एक आखिरी बार उसने अपने होठों पर उंगली रखी और कहा, मैं 12 साल का था जब मेरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया जहाँ मेरी मॉम का बचपन गुजरा था। हमारे घर के सामने पुराना चर्च था और उसकी एक साइड खिड़की पर मैंने उसे देखा, एक जोकर। अब जब मैं एक जोकर की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि वो कोई आम आदमी जोकर के कपड़े पहनकर छुपा हुआ है जो राह चलते लोगों को डराना चाहता है। नहीं, ये किसी रिपोर्ट से चलने वाला जोकर जैसा था जिसे लोग हैलोवीन के समय पर इस्तेमाल करते हैं। मैं इतनी दूर से उसकी विशेषताएं तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जरूर बता सकता था कि वो नकली था। जब हम अपनी गाड़ी के पास खड़े थे तो मेरी मॉम ने मुझे चर्च की तरफ देखते हुए देख लिया। तुम जानते हो, जब मैं छोटी थी तो अपने दादा दादी के साथ इसी चर्च में जाती थी। उन्होंने कहा, वहां वो जोकर क्यों है? क्या पता, हो सकता है हैलोवीन के बाद वो उसे हटाना भूल गए हूँ। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब मैं अकेला था। मॉम अब तक काम से वापस नहीं आई थी। मैं घर के अंदर जाने ही वाला था कि मैंने मुड़कर चर्च की तरफ देखा। वो जोकर अब भी वहां था, लेकिन उस जगह पर नहीं जहां वो पिछले दिन था। इस बार वो बीच वाली खिड़की के सामने खड़ा था। वो अपनी जगह से हिल चुका था। मैं सड़क पार करके उस तरफ गया और मैंने उस जोकर को थोड़ा और करीब से देखा। वो एवरेज हाइट का था। उसने इंद्रधनुष की शली वाला सूट पहना था जिसमें लाल और सफेद रंग की धारियां थी जो सूरज की रोशनी में सिल्क की तरह चमक रही थी। उसने अपने गले में सफेद रंग की बो पहनी थी। उसकी शर्ट पर 3 बड़े बड़े लाल रंग के पॉम पॉम लगे हुए थे और पैरों में उसने लाल रंग के बड़े जूते पहने थे।
उसका चेहरा और हाथ ग्रे रंग के थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे डरावना बनाने के लिए क्ले का इस्तेमाल किया और उन पर दाने और झुर्रियां बन गई थी। उसके सर के पीछे से टेढ़े मेढ़े लाल बाल निकल रहे थे, लेकिन ऊपर से वो गंजा था और उसकी पीली जैसे आंखों में तीखी नजर का एहसास था, जैसे वो ठीक मेरी रूह में झांक रहा। वो घूर रहा था और अपने लंबे दांतों से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने गले में गत्ता लटकाया हुआ था, जिस पर लाल मार्कर से किसी ने लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, मुझे गले लगाओ। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आखिर कोई इसे चर्च में छोड़कर क्यों जाएगा। अगले दिन जब मैं स्कूल बस के आने का इंतजार कर रहा था, तो मैंने एक नजर चर्च की तरफ देखी। वो जोकर एक बार फिर अपनी जगह सहल चुका था। इस बार वो उस खिड़की के आगे खड़ा था जो चर्च के दरवाजे के सबसे पास थे। अगले कुछ दिन बिना किसी बदलाव या उत्साह के निकल गए। स्कूल जल्दी खत्म हो जाता था। स्कूल के बाद शुक्रवार तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन अचानक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। मैं बस से उतरा और मैंने वही किया जो मैं आम तौर पर करता था, हर रोज करने लगा। मैंने चर्च की तरफ देखा और मुझे जोकर दिखाई दिया, अभी भी उसी खिड़की पर। लेकिन अपने घर के दरवाजे के पास से भी मैं ये बता सकता था कि कुछ तो अलग था। मैंने ध्यान से सड़क पार की और जैसे ही मैं जोकर के करीब गया, तो वो अंतर मुझे और ज्यादा महसूस होने लगा। वो पूरा एक फुट या फिर उससे ज्यादा लंबा हो गया था। उसकी आम टांगे अब किसी बांस के डंडे से कम नहीं लग रही थी। उसके बाजू और हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे वो कलाई से बढ़ गए हों, और ज्यादा बड़े होने की वजह से वो खिड़की पर मुड़ी हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसका चेहरा सबसे ज्यादा खराब था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसके दांत किसी नोकीले चाकू से कम नहीं लग रहे थे। मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर छपती जा रही थी। वो और भी ज्यादा मतलबी लग रहा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं घर जाने के लिए वहां से जल्दबाजी में निकल गया। मैं मुड़कर दोबारा उसे देखना नहीं चाहता था। उस रात मैंने जागे रहने और चर्च पर नजर रखने का फैसला किया। मैं देखना चाहता था कि उस जोकर के बदलाव के पीछे का राज क्या है। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई उसे अपनी जगह से हिला रहा है। मुझे इस शख्स को ऐसा करते हुए पकड़ना था। मैंने सोने जाने का नाटक किया और चुपचाप अपने कमरे की खिड़की पर जाकर बैठ गया। रात के अंधेरे में भी मैं जोकर के आकार को दूर से देख पा रहा था। मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी आंख लगी और ना ही मुझे ये याद है कि मैं अपने कमरे की दीवार से लग कर कब सोया। मैं आधी नींद में उठा और अपने आप ही मेरी नजर सबसे पहले खिड़की के बाहर गई। मुझे ध्यान लगाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चर्च का दरवाजा खुला हुआ था और वो जोकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हमारे घर की सीढ़ियों से आवाज तो आती है, लेकिन इतनी नहीं कि कोई नींद से जाग जाए, और अगर आपको पैर रखने की सही जगह पता हो तो वो आवाज भी नहीं आती। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी मॉम देर रात तक जगी होंगी और अब सोने जाने के लिए ऊपर आ रही होंगी। अभी तक मैंने सही वक्त नहीं देखा था। फिर मैंने वो आवाज एक बार फिर सुनी, फिर एक बार। कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। नहीं मॉम, नहीं डैड, तो फिर ये कौन था? अचानक पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। मैं बैठा रहा, अभी भी कान दीवार से लगाए हुए। कुछ सेकंड्स तक शांति रही। आखिर वो क्या कर रहा है? जल्द ही मुझे एक और आवाज सुनाई थी। ये पहली वाली से अलग थी। मेरे कमरे के दरवाजे का नॉब घूम रहा था। मैं जमीन पर बैठा रहा। मेरा पूरा ध्यान दरवाजे पर था और अब तक मेरी आंखों ने अंधेरे को अपना लिया था। मैं बहुत ही अच्छी तरह देख सकता था कि दरवाजे का नॉब घूम रहा है और मेरे कमरे का दरवाजा इंच ब इंच खुल रहा है। मेरा दिल की धड़कने बढ़ गई। कोई मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? दरवाजे की उस ओर जो भी था वो रुक गया। एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने चर्च की तरफ अपना सर घुमाया। मैं शायद बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी मॉम मेरे बगल में बैठी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने पिछली रात कोई बुरा सपना देखा था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि कौन मेरी बात पर विश्वास करता। उस रात के बाद मैंने कभी उस जोकर को दोबारा नहीं देखा और चर्च के अंदर का वो जोकर भी गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि उसे वहां से किसने हटाया, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ये बात आती थी कि उस जोकर में अब जान आ गई। आप आज रात उसे अपनी खिड़की के बाहर लटका देखने के लिए सावधान रहे। ये काफी पहले सन 1972 में हुआ था। मैं 7 साल का था और मुझे पड़ोस के एक बच्चे के जन्मदिन पर जाने का न्योता आया था। हम शिकागो के एक छोटे से शहर इलिनॉय में रहते थे। उस लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हर इंतजाम किया था। वहाँ पर धीरे घुमाने वाला उदास चेहरे वाला एक गधा था जिस पर छोटे बच्चों को बिठाने की इजाजत थी। मैं उस गधे पर नहीं बैठ सकता था क्योंकि 7 साल की उम्र में भी मैं मोटा था। एक 7 साल के बच्चे के जन्मदिन पार्टी में तरह तरह की एक्टिविटीज के बावजूद एक जोकर को भी बुलाया गया था।
उसने हम सबको अपने नाम पोगो द जोकर बताया। वो आराम से इधर उधर घूम रहा था, कभी नाचता तो कभी मुस्कुराता रहता। वो धीरे धीरे हंसता भी था। उसने हमें एक पुराना जादू दिखाया जिसमें वो नाक पर इशारा करके कान के पीछे से सिक्का निकाल देता था। उसने गुब्बारों से जानवर बनाए और एक टायर वाली साइकिल पर खुद को बैलेंस करके हमें हंसाया। बाकी बच्चों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मुझे उस जोकर से नफरत थी। उसकी हर चीज मुझे बेकार लग रही थी और इसी वजह से मेरे अंदर के 7 साल के मोटे बच्चे ने उसे परेशान करने का तय किया। उसके बाद बर्थडे बॉय ने घोषणा की कि अब हमें जोकर का एक खास जादू देखने के लिए घर के अंदर जाना होगा। सभी बच्चे लिविंग रूम में चले गए और जमीन पर जाकर बैठ गए। मैं पीछे ही खड़ा रहा। उसने अपने जादुई शो शुरू किया। पहले उसने अपनी टोपी से एक नकली खरगोश निकाला और कुछ और टोपी वाले जादू दिखाए। मैं पीछे खड़े होकर उसकी बेइज्जती करता रहा। तुम बहुत ही बकवास हो पू, मैं बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि उसके जादू कितने आसान है। वो जोकर बस चुपचाप बिना मुझे कोई जवाब दिए मुस्कुराता रहा और अपना जादू दिखाता रहा। उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये सब 20 मिनट तक चलता रहा। वो जोकर जब कोई घटिया जादुई ट्रिक दिखा रहा था तो बच्चे हंस रहे थे। मुझे नहीं पता कि बर्थडे बॉय के माँ बाप को उस आदमी पर दया आ रही थी या क्या, लेकिन वो भी चिल्ला चिल्ला कर उस आदमी को प्रोत्साहित कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चे बाहर चले गए। वहां पर गत्ते का एक गधा लगा हुआ था जिसे तोड़ने पर टॉफियां निकलती हैं। कुछ मिनट बाहर बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दिन भर को जो जूस मैंने पिया है वह बाहर आना चाहता है। मैं टॉयलेट ढूंढते हुए घर के अंदर चला गया। घर में काफी शांति थी और अब सूरज ने भी अपनी दिशा बदल दी थी, जिस वजह से किचन और बाकी जगहों पर अंधेरा छाने लगा था। मैं हॉल से गुजरते हुए किचन की बगल से निकला और फिर एक कमरे से निकलते हुए दूसरे हेलो क्या बकवास, क्या मैंने इस नन्ही सी जान को डरा दिया? मैं वहां के वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल जैसे मेरे गले तक आ गया। अचानक मिले सदमे से मेरी सांस चढ़ गई थी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो मेरी तरफ झुका, उसकी रंगीन मुस्कान कायम थी, लेकिन उसकी आंखें खून से सनी हुई थी, जैसे वो नफरत से भरी हो। तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो शायद हम दोस्त बन सकते हैं, बेवकूफ जोकर। मैं उसे बुरे शब्द कहते हुए और उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। मुझे जोर से पीछे की तरफ खींचा गया और मैं जमीन पर गिर गया। वो जोकर कुछ देर तक मेरे सर के ऊपर खड़ा रहा। वो मेरी छाती पर अपना बड़ा भारी पैर रखने ही वाला था। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और चिल्लाने की मदद मांग रहा था, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मेरे ऊपर खड़ा हो गया और मुझे जमीन में दबाने लगा। फिर उसने अपने जेब से एक सोडा का कैन निकाला और उसे खोल दिया। ढक्कन पर सोडा की गैस इकट्ठी हो गई। एक डरावनी नर्सरी की राइम गाते हुए उसने मेरी पैंट पर सोडा फेंकना शुरू कर दिया। It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and he bumped his head and couldn't get up in the morning. वो इसी तरह गाता रहा जब तक कैन खाली नहीं हो गया। जब उसने मेरी छाती से अपना पैर हटाया तो मैंने अपनी एक टांग से उसे जोर से लात मारी और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैं भागते हुए पैंट्री में चला गया और मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ये छुपने के लिए एक बहुत ही बेकार जगह थी। वो जानता था कि मैं कहां गया था। पैंट्री उस जगह से सिर्फ 4 फीट की दूरी पर थी जहां कुछ देर पहले मैं गिरा हुआ था। उस जगह पर बहुत अंधेरा था और वहां पुराने खाने की बहुत बदबू आ रही थी। उसके दरवाजे पर अंदर की तरफ कोई कुंडी नहीं थी जो मैं जोकर से बचने के लिए लगा सकता था। अंधेरे कमरे में मैं नीचे बैठ गया और मुंह बंद कर अपने रोने की आवाज को दबाने लगा। कुछ मिनट बीत गए, वो मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। मैं पेंट्री के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मुझे अंदर आने दो चूहे के बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम जैसे बच्चों का क्या हल करता हूँ। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा और अपने बच्चे की तरह तुम्हें चांदी के चप्पल से खाना भी खिलाऊंगा। हम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त देखेंगे, बस मुझे अंदर आने दो। मैं रोने लगा और मैंने बहुत कोशिश की कि वो आदमी अंदर ना आ सके, लेकिन उसमें मुझसे कहीं ज्यादा ताकत थी। उसका आधा शरीर पहले ही पेंट्री के अंदर तक आ चुका था। वो हंस रहा था और पूरी तरह से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी चाहते हुए देख रहा था। तभी मैंने एक दूसरे बच्चे की आवाज सुनी और वो जोकर रुक गया। वो मुझसे दूर हट गया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दूसरे बच्चे से बात कर रहा था। कुछ देर बाद जोकर और उस बच्चे के पैरों की आवाज कम होती हुई सुनाई थी। मैंने ये सोचकर चैन की सांस ली कि आखिरकार वो चले गया। पेंट्री से बाहर निकल कर आंगन में आते ही मैं अपने डैड के पास गया और मैंने उन्हें मुझे घर ले जाने को कहा। मैं अगले 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और 4th दिन
मैं अपनी मॉम को कहते हुए सुनता हूँ। पार्टी में आया एक बच्चा लापता था। वो एक 6 साल का बच्चा था जिसे आखिरी बार जोकर के साथ घर के पीछे वाले हिस्से में खेलते हुए देखा गया था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि कोई नहीं जानता कि मेरे दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में आया हुआ जोकर कौन था। उसके माँ बाप को लगा कि वो एजेंसी से आए हैं, लेकिन एजेंसी ने पुलिस को बताया किसी ने पार्टी में जाने से पहले उनके आदमी को जान से मार दिया था और फिर उसकी लाश झाड़ियों के पीछे छुपा दी और उसके कपड़े चुरा लिए। जो लड़का लापता हुआ था वो दोबारा कभी नहीं मिला। उस जोकर के साथ हुए मेरे खौफनाक हादसे के 6 साल बाद मैंने उसकी तस्वीर खबरों में देखी। उन तस्वीरों में उसने जोकर की वही कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जो उसने उस दिन पहनी थी, लेकिन वो कोई जन्मदिन पर आने वाला जोकर नहीं था। वो एक पागल सीरियल किलर था जिसका नाम जॉन वेन केसी था। वो जोकर बनने का नाटक करके जन्मदिन पार्टी से बच्चों को अगवा करता था। मैंने जब अपने पेरेंट्स को यह बताया कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था तो वो दंग रह गए। मैं जॉन वेन केसी नाम के उस आदमी का शिकार होते होते बच गया था और उसके बाद से मुझे इन जोकर्स से बहुत डर लगता है।